नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज टेक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अनाथ बिल्ली के बच्चे की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले तो दोस्तों, जब आप बिल्ली के बच्चे को पाए हुए होते हैं तो वो काफ़ी देर से पड़ा हुआ होता है और डिहाइड्रेट होता है। इसके लिए आपको बिल्ली के बच्चे को रिहाइड्रेट करना होगा, जो कि आप सिंपल एक उबले पानी को ठंडा करके सिरिंज या ड्रॉपर की मदद से उसे पिला करके ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप आरओ का पानी भी दे सकते हैं सिरिंज या ड्रॉपर की मदद से। बिल्लियों का दूध गाय और भैंस के दूध से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोज नहीं पाया जाता है और इनमें एंटीबॉडीज़ बहुत होती हैं, जिससे बिल्ली के बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। गाय का दूध और भैंस का दूध आप नहीं दे सकते हैं बिल्ली के बच्चे को, क्योंकि इनमें लैक्टोज पाया जाता है, जिसे ये बिल्ली के बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से डायरिया हो सकता है उनको और काफ़ी सीरियस समस्याएँ भी हो सकती हैं। इसलिए आपको किटन मिल्क फार्मूला रिप्लेसर देना होगा। ये आपको सामान्य पशु के स्टोर पे मिल सकता है या फिर ऑनलाइन स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप होममेड मिल्क फीडिंग फार्मूला बना सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 चम्मच मिल्क पाउडर की, 1 अंडे की जर्दी यानी एग योक की और पानी की। और इसके बाद आप मल्टी विटामिन सिरप से 1 ड्रॉप मल्टी विटामिन सिरप भी इसमें मिला सकते हैं, वो इसको मल्टी विटामिन की ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर अभी नहीं है तो बाद के लिए आप मंगा लीजिए। और इन तीनों चीज़ों को, पानी, अंडे की जर्दी और 5 चम्मच मिल्क पाउडर और अगर हो सके तो मल्टी विटामिन सिरप से 1 ड्रॉप, इनको मिला करके मिश कर लेंगे और एक पेस्ट नुमा बना लेंगे, ताकि ये सिरिंज या ड्रॉपर में भर सकें आप। और इसको सिरिंज या ड्रॉपर में भर करके आप इसको पिलाना शुरू करेंगे। दोस्तों बिल्ली के बच्चे को ट्रीट करने के लिए खास तौर से तैयार किए गए बिल्ली के बच्चों के फीडिंग बॉटल का इस्तेमाल करें। अगर आप सिरिंज या ड्रॉपर से पिला रहे हैं तो इसे बदल लें आगे चल के और फीडिंग बॉटल खरीद लें। आप इसे किसी वेट क्लिनिक से, बड़े पेट स्टोर से या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। जल्दी में है, अगर आप इमरजेंसी में हैं तो आई ड्रॉपर या फिर सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक मील के बाद बिल्ली के बच्चे को डकार दिलवाएं, यानी हर बार दूध पिलाने के बाद बिल्ली के बच्चे को डकार दिलाना है। कैसे दिलाना है? ठीक जैसे एक छोटे बच्चे के लिए इसे किया जाता है। बिल्ली के बच्चे को भी सीधा अपने कंधे के ऊपर रखें और फिर अपने हाथ उसके पेट के नीचे रख दें, उसकी पीठ को आराम आराम से थपथपाएं। इस तरह से बिल्ली का बच्चा डकार लेगा। बिल्ली के बच्चे को यूरिनेट और पॉटी के लिए स्टिमुलेट करें। बिल्ली के बच्चे सामान्यतः 4 हफ्ते तक अपनी पॉटी खुद नहीं करते हैं, इसमें माँ उसकी मदद करती है। लेकिन अगर माँ नहीं है तो हर बार खिलाने से पहले और खिलाने के बाद में एक पेपर टॉवल या फिर कॉटन की मदद से आप इसको गुनगुने पानी में डिप करें, भिगो लें कॉटन को। और इसके बाद बिल्ली के बच्चे के टॉयलेट जाने के लिए प्रेरित करने के लिए, जो कि इसके बिना वो रह नहीं सकती है, हर बार खिलाने के बाद बिल्ली के बच्चे को उसके जेनाइटल एरिया के पास रगड़ें, जब तक कि वो यूरिनेट और पॉटी करना बंद न कर दे। जब कुछ भी बाहर आना बंद हो जाए तब ऐसा करना बंद कर दें। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रगड़ें, आगे पीछे रगड़ने से इरिटेशन हो सकती है। कॉटन बॉल या पैड का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ये घिसने वाले होते हैं। हेल्दी एलिमिनेशन के संकेतों को देखें। यूरिन का रंग हल्का येलो कलर होना चाहिए और कोई भी गंद इसमें नहीं होना चाहिए। स्टूल यानी कि मल येलोविश ब्राउन कलर का होना चाहिए और छोटे छोटे ढेर में होना चाहिए। दोस्तों यदि डार्क बदबूदार यूरिन डिहाइड्रेशन का संकेत होता है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसे डिहाइड्रेशन है। ग्रीन स्टूल शायद ओवरफीडिंग की ओर इशारा करता है, जबकि वाइट स्टूल माल एब्जॉर्प्शन की ओर इशारा करता है, यानी फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जो कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आपके मन में कोई भी चिंता है तो अपने वेट डॉक्टर को कॉल करें या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपकी किटन 12 घंटे तक यूरिनेट नहीं करती है तो उसे तुरंत वेट के पास ले जाएं। ज़्यादातर किटन दिन में एक बार पूप करती है, लेकिन उसका अपना शेड्यूल अलग भी हो सकता है। अगर उसे पॉटी किए 2 दिन बीत चुके हैं तो उसे वेट डॉक्टर के पास ले जाएं। किटन के खाने के टाइम को फॉलो करें। क्या होना चाहिए किटन के खाने पर और पीने का टाइम टेबल? किटन की लाइफ के पहले 2 हफ्ते में उसे हर 2 से 3 घंटे के अंदर फीड कराएं।
बिल्ली का बच्चा रोकर यहाँ वहाँ पलट कर, जैसे कि वो निपल की तलाश में है, आपको उसके भूखे होने का संकेत देगा। बिल्ली का बच्चा पेट भरे होने पर सो जाएगा और उसका पेट गोल रहेगा। 2 हफ्ते के बाद इस फीडिंग टाइम को बढ़ाकर रात भर के बीच में 6 घंटे का गैप रखकर हर 3 से 4 घंटे के बाद दें, यानी कि आप हर 3 से 4 घंटे के बीच में देंगे और रात में आप 6 घंटे का गैप कर देंगे। किटन को हीटिंग पैड से कवर करें और उसे गर्म रखने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, किटन की जो माँ होती है वो अपने बच्चे को चिपका कर रखती है, जिससे उसके शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। अगर माँ नहीं है तो उनके शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता है, इसलिए आप उसे पपीज़ या बिल्ली के बच्चों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए हीटिंग पैड पर रख कर उसे हीट दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप उसे हीटर या ब्लोवर के थोड़ा सा नज़दीक रख दें, इतना नज़दीक कि आपका हाथ न गर्म हो। 1 मिनट तक हाथ रख कर देखें, आपका हाथ इतना ना गर्म हो कि लोकल हीट बर्न हो। उस जगह पर आप बिल्ली के बच्चे को रखें और पीठ की तरफ या फेस की तरफ कर दें, एक तरफ रखें बिल्ली के बच्चे को। अलग अलग डायरेक्शन से उसे हीट देने की कोशिश ना करें, इतने में वह गर्म हो जाएगा। जैसे जैसे किटन की उम्र बढ़ती जाती है, यानी कि वो जब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, तो वह खुद ही हीट के लिए सेंसिटिव हो जाता है और गर्म महसूस होने पर दूर हट जाता है। ठंड में रह रही बिल्ली को कभी फीड ना करें। चेक करें दोस्तों कि बिल्ली का शरीर अगर ठंडा लगता है तो आपको पहले उसे धीरे धीरे गर्म करना होगा। जब बिल्ली के कान या उसके पंजे छूने पर ठंडे लगें, उसके मुंह में उंगलियां डालने पर ठंडा लग रहा है, तो मतलब ये है कि बिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है, जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए घातक हो सकता है। उसके पैरों को अपने शरीर पर लपेट लें और उसको अपने पूरे शरीर से चिपका के रख लें, ताकि वो 2 घंटे तक उसमें गर्म हो जाए। कम से कम 1 से 2 घंटे तक धीरे धीरे उसे गर्माहट देना है। एक अनाथ बिल्ली के बच्चे की देखभाल के लिए और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी वेट से गाइड ले सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बिल्ली के बच्चे जिसे जो लोग पाल रहे हैं वो जुड़े होंगे, जहाँ आपको सहायता मिलेगी। अब दोस्तों, 4 से 8 हफ्ते के बीच में थोड़ा ज़्यादा किटन फूड देना शुरू कर दें, यानी कि जब बच्चा 4 से 8 हफ्ते के बीच का हो जाए तो आप इसको फूड पिलाएंगे मिल्क से। मिल्क पीने की आदत को आपको छुड़वाना होगा, उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड डालना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी तक आप बॉटल से पिला रहे थे, तो प्लेट में आप थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे और मिल्क के साथ साथ आप किटन फूड भी उसमें डाल देंगे। किटन फूड दोस्तों सस्ता होता है और आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा लीजिएगा। प्लेट में दूध के साथ साथ इसमें सॉलिड फूड भी रखेंगे और छोटा छोटा टुकड़ा उसके मुंह में दांतों के बीच भी रखेंगे, जिससे वो सॉलिड फूड खाना शुरू कर देगा। जब किटन उस फूड को खाना शुरू करते हैं, उनके दूध छोड़ने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि वीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसको वीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। ज़्यादातर बिल्ली के बच्चे 4 हफ्ते से पहले पानी नहीं पीते हैं, यानी जब तक दूध पर डिपेंड होते हैं तो पानी नहीं पीते हैं। हालांकि उनके पास में एक पानी से भरा कटोरा रख देना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो पानी पी सकें। लेकिन जब वो सॉलिड फूड पर जाते हैं तो वो पानी पीते हैं, इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें और पानी गंदा ना हो, कटोरा में पानी चेंज करते रहें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। और अपनी किटन का सामना नई चीज़ों के साथ करा के उसे सोशलाइज करें। अब किटन क्योंकि बड़ी हो रही है, 3 से 9 हफ्ते के दौरान उसके लिए ये ज़रूरी रहता है। उम्र के 2 से 3 हफ्ते के बाद से किटन को जहाँ तक हो सके हर दिन बाहर लेकर जाएं और उसे अलग अलग नज़ारों, आवाज़ों, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, दाढ़ी वाले पुरुष, बच्चे, आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच सकें उस चीज़ से अवगत कराएं। इस 6 हफ्ते के बाद के दौरान बिल्लियां नई एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहेंगी, और अभी उसके सामने जो भी आएगा वो एडल्ट की तरह बिना किसी सवाल के उसे स्वीकार करेगी और उसे खुश और अच्छे से एडजस्ट होने वाली सोशल कैट बनाने में मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।